अब यहाँ पर जो है एक दूसरा उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया कि जरूरी नहीं है कि आपने भूवे दर्शन देखा और किसी चीज़ अन्य चीज़ को कुछ और समझ लिया और वहाँ पर भी तुम अनुमान करने लग गए। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने एक उदाहरण दिया, कहा कि यद्यपि यत्र यत्र मैत्री तनयत्वम तत्र तत्र शामत्वम अपि इति भूयो दर्शनम समानम अवगम्यते। ठीक है, अब इस पूरे प्रकरण के पहले सामान्य अर्थों को समझ लेते हैं और फिर जो है इसके अंतर्गत जो नवीन शब्द आए हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। सामान्य अर्थ इसका यह है कि कह रहे हैं यद्यपि यत्र यत्र मैत्री तनयत्वम, जहाँ जहाँ मैत्री तनयत्व होगा, मैत्री नाम की एक महिला है और तनय माने उसका पुत्र होना, जहाँ जहाँ मैत्री का पुत्र देखा जाएगा, मैत्री के पुत्र होंगे, या जब जब मैत्री का पुत्र होना देखा जाएगा, तत्र तत्र श्यामत्वम, तब तब यह देखा जाएगा कि वे सभी जो होंगे काले होंगे, श्याम माने काला होना या सांवला होना। ठीक है, तो मैत्री का पुत्र होना जो है और काला होना जो है वो स्वाभाविक बात हो गई है। एक व्यक्ति है, उसने एक मैत्री नाम की एक महिला देखी और उसके सात बेटों को देखा तो वो सभी काले थे, और उसने सुना कि आठवां बेटा हुआ है तो वो उसने कहा कि वह भी काला होगा क्योंकि इसके पहले के सभी बेटे जो हैं वो काले हैं। इति भूजो दर्शनेन, ऐसा बार बार देखे जाने के कारण, सात बार उसने सात बच्चों को काला देखा, इसलिए उसने क्या कर दिया, समानम अवगम्यते, उसने इस बार भी यही समझा कि अब जो उसका जो बेटा होगा हुआ है यह भी क्या होगा, काला ही होगा। ठीक है, समान रूप से इसने बार बार अवगत किया, यह जाना कि जब जब इसके बेटे हुए मैत्री नाम की महिला के, तब तब भी सभी काले हुए हैं, और जब इसका यह आठवां नवा बेटा हुआ है यह भी क्या होगा, काला ही होगा। ठीक है, अब जब वह उसको देखने गया तो वह तो काला नहीं था, वह तो गोरा था, तो उसने कहा कि ये व्याप्ति तो खराब हो गई, इसका मतलब अनुमान गलत है। तो न्यायिक कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, अनुमान गलत नहीं है, तुमने ही गलत चीज़ को गलत ठहराया यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि तथापि, फिर भी, यद्यपि मैत्री तनयत्व को बार बार जब आपने उसके पुत्रों को देखा तो सभी काले थे, और इस बार भी जब नया पुत्र हुआ तो आपने उसको काला होना कह दिया, लेकिन वो काला नहीं निकला, कह रहे लेकिन मैत्री तनयत्व श्यामत्वयोर न स्वाभाविक संबंध है, वह काला इसलिए नहीं निकला क्योंकि तो मैत्री का बेटा होना और काला होना स्वाभाविक संबंध नहीं है, धूम और अग्नि की तरह। ठीक है, मैत्री का पुत्र होना और काला होना यह जो है स्वाभाविक संबंध नहीं है, यह तो एक औपाधिक संबंध है, उपाधि से युक्त संबंध है। ठीक है, ऐसा संबंध है जो उपाधि से युक्त है। ठीक है, और उपाधि से युक्त संबंध जो होता है वह स्वाभाविक संबंध नहीं होता है, स्वाभाविक संबंध में ही साहचर्य व्याप्ति होती है और तभी लिंग परामर्श से अनुमान होता है, लेकिन यह तो औपाधिक संबंध है। ठीक है, औपाधिक संबंध क्यों है, क्योंकि साकाद्यन्न परिमाणस्य उपाधेर विद्यमानत्वात्, क्योंकि शाक आदि जो अन्न है उन अन्न का जो परिणाम है, उनको खाने का जो परिणाम है, उसकी उपाधि यहाँ पर विद्यमान है। मतलब जो उसके उसका जो नया बेटा जो मैत्री के जो पहले सात काले बेटे हैं वो जो हैं अलग अलग प्रकार के जो है शाक आदि चीज़ों को खाने का परिणाम उनको मिला है कि वो काले उत्पन्न हुए हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, इस बार उन्होंने ऐसे मैत्री ने इस चीज़ की इस तरह की चीज़ें नहीं खाई तो इस बार जो है बेटा गोरा पैदा हुआ। ठीक है, तो शाक आदि अन्न क्या हो गया, शाक आदि अन्न को खाने का परिणाम क्या हो गया, काला होना हो गया, तो शाक आदि अन्न क्या हो गई, उपाधि हो गई, और उस उपाधि को यहाँ पर तुमने लगा दिया और कह दिया कि मैत्री का बेटा होना जो है वो काला होना है, जहाँ जहाँ जब जब मैत्री का बेटा हो तब तक जहाँ जहाँ मैत्री का बेटा होना देखा जाएगा तो वहाँ वहाँ उसका काला होना पाया जाएगा उस बेटे का। ठीक है, कह रहे तथा ही क्योंकि श्यामत्वे मैत्री तनयत्वम, ठीक है, क्योंकि काला होना जो है पुत्रों में श्यामत्व न प्रयोजकम। ठीक है, क्योंकि कह रहे हैं श्यामत्वे मैत्री तनयत्वम न प्रयोजकम, काला होने में मैत्री का बेटा होना प्रयोजक नहीं है, लेकिन तो प्रयोजक क्या है, शाक आदि अन्न परिणति भेद, शाक आदि जो अन्न उसने खाया है उस तरह का जिनसे काले हो जाते हैं उनका, वो जो शाक आदि अन्न प्रयोजक है। ठीक है, वे शाक आदि अन्न परिणत भेद, उन शाक आदि खाद्य पदार्थों का परिपाक विशेष जो है वो इसमें जो है निमित्त है, वह इसमें प्रयोजक है। ठीक है, और उसी प्रयोजक को क्या कहते हैं, उपाधि कहते हैं, प्रयोजकस्य उपाधि इत्युच्यते, प्रयोजक को ही उपाधि कहते हैं, प्रयोजक ही जो है वो उपाधि कही जाती है। ठीक है, प्रयोजक को ही उपाधि कहते हैं। अब इस पूरे प्रकरण को हम समझते हैं एक बार, कह रहे हैं कि एक
व्यक्ति है उसने एक मैत्री नाम की महिला के 7 पुत्र देखे और सबके सब जो है वो श्याम वर्ण के थे। और जब उसने सुना कि उस मैत्री का अष्टम पुत्र हुआ है तो उसने बिना देखे ही यह कह दिया कि यह पुत्र जो होगा श्याम होगा, क्योंकि मैत्री का पुत्र है ही। अब उसका यह कथन जो है वो ठीक नहीं था, क्योंकि जब उस अष्टम पुत्र को देखा गया तो वो गौर वर्ण का था। तो इससे यह सिद्ध होता है, पूर्व पक्षी ने यह यहाँ पर शंका किया, फिर एक आक्षेप उठाया कि इससे यह सिद्ध होता है कि भूय सहचार दर्शन से, जो आप व्याप्ति कर रहे थे कि भूयो भूयो सहचार प्रथम ज्ञान जो होगा बार बार देखने से, ठीक है, तो सहचार दर्शन से जो स्वाभाविक संबंध होता है मतलब व्याप्ति जो है उसका निश्चय नहीं होता। और न्यायी को आप तो कह रहे थे कि भूजो दर्शन व्याप्ति का निश्चय होता है, बार बार हमने रसोई घर में देखा कि जहाँ जहाँ आग है वहाँ वहाँ धुआं है, इस तरह हमने बार बार देखा तो हमें व्याप्ति हो गई और व्याप्ति का निश्चय हो गया। लेकिन यहाँ पर भी तो हमने भूजो दर्शन किया बार बार, मैत्री के 7 बार देखा कि सारे काले पुत्र हो रहे हैं लेकिन 8वां तो काला हुआ ही नहीं। तो मैत्री तनयत्व होना और कृष्ण भूयो दर्शन, मैत्री के तनयों का श्यामत्व होना भूयो दर्शन जब हमने देखा बार बार ऐसा देखा, लेकिन यहाँ पर वो व्याप्ति जो है वो तुम्हारी फॉलो नहीं हुई, ठीक है। तो उसके उत्तर में न्यायिक कहते हैं कि केवल भूयो दर्शन से स्वाभाविक संबंध का निश्चय नहीं होता, ठीक है, अपितु भूयो दर्शन के साथ साथ वहाँ पर उपाधि का अभाव भी होना चाहिए। भूयो दर्शन तो हो लेकिन उपाधि का अभाव भी हो, उपाधिक नहीं हो, वो वस्तु उपाधि से युक्त नहीं हो, ठीक है। यत्र यत्र मैत्री तनयत्वम तत्र तत्र श्यामत्वम, ये जो स्वाभाविक संबंध मानने माना आपने, इसमें आपत्ति यही है कि यहाँ पर जो है उपाधि का अभाव नहीं है, यहाँ पर उपाधि है। और उपाधि किसे कहते हैं? उपाधि कहते हैं प्रयोजक को या फिर निमित्त को। अब मैत्री के पुत्रों की श्यामता जो है या उनका कालापन जो है, ठीक है, उसका वास्तविक निमित्त जो है, उसका वास्तविक प्रयोजक जो है, उसकी जो उपाधि है वह ये है कि मैत्री ने पहले सभी पुत्रों के गर्भकाल में, जब वो सभी 7 बेटे जब अपने अपने समय पर गर्भ में थे, तो उस समय पर उसने ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन किया, ऐसे हरी सब्जी आदि ऐसे जो पदार्थ हैं उनको इतना खाया कि जितने पुत्र थे वो सभी कैसे हुए, काले रंग के हो गए, ठीक है। जब वो उत्पन्न हुए तो पैदा हुए तो वे सब काले रंग के थे। तो मैत्री का पुत्र होना उनमें उनकी श्यामता का निमित्त नहीं है, बल्कि उन खाद्य पदार्थों को खाना उनके श्यामत्व होने में क्या है, निमित्त है, प्रयोजक है, ठीक है। अतः मैत्री तनयत्व और श्यामत्व के संबंध में जो शाकपात शाक आदि को खाना जो उपाधि का ग्रहण हो रहा है, उस उपाधि के अभाव का निश्चय नहीं है। और उपाधि के अभाव का निश्चय नहीं होने के कारण तुम्हारी जो है व्याप्ति नहीं हो रही है। इसलिए मैत्री का पुत्र होना और कालापन होना यह स्वाभाविक संबंध नहीं है। यदि इसको स्वाभाविक संबंध यदि हम बनाना चाहें तो हमें उपाधि को हटाना पड़ेगा, ठीक है। उपाधि को जब हम हटा देंगे तो स्वाभाविक संबंध बनेगा, जैसे कि धूम और अग्नि में किसी प्रकार का कोई औपाधिक संबंध नहीं है और वो इसलिए वो स्वाभाविक संबंध है। लेकिन यहाँ पर तो शाक आदि अन्य को खाना जो है वो औपाधिक संबंध हो गया। अब उपाधि शब्द का अर्थ मतलब यहाँ पर इसको थोड़ा विस्तृत रूप से समझते हैं। उपाधि का अर्थ होता है निमित्त या प्रयोजक, ठीक है। मतलब उपाधि उसे कहते हैं, उप माने होता है समीप, ठीक है, और अधि माने होता है आदधाति या संक्रामयति, ठीक है। तो जो अपने धर्म को समीपवर्ती वस्तु में या समीपवर्ती चीज में जो है संक्रांत कर देता है, ठीक है, अपने गुणों को अपने धर्मों को अपने समीपवर्ती चीज़ों में संक्रांत कर देती है, उसमें भी डाल देती है, तो उसे कहते हैं उपाधि। जैसे हमने कपूर रख देते हैं कपड़ों के बीच में, और जब कपड़ों को पहनते हैं तो कपूर तो वापस वहीं रख देते हैं जहाँ से उठाया था, लेकिन कपड़े जब पहनते तो उसमें फिर भी कपूर की खुशबू आ रही होती है, तो कपूर की खुशबू क्या हो गई उन कपड़ों में, उपाधि हो गई। हालांकि वहाँ पर कपूर नहीं है, लेकिन कपूर ने क्या किया, अपने धर्मों को अपनी खुशबू आदि सुगंध आदि धर्मों को कपड़ों में भी संक्रांत कर दिया, ठीक है। कपड़ों के बीच में हमने कपूर रखा तो कपूर ने अपनी खुशबू को उन कपड़ों में भी संक्रांत कर दिया। तो असल में फिर हम बोलें कि अरे कपड़े तो खुशबूदार हैं, तो कपड़े खुशबूदार नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि उनमें कपूर की खुशबू संक्रांत हुई है। कपूर की खुशबू नाम की उपाधि से युक्त हमें उनको मानना पड़ेगा, तब जाके हम उनको मानेंगे कि हाँ ये खुशबूदार है। तो उसी प्रकार मैत्री का तनय होना जो है, यहाँ मैत्री का पुत्र होना यहाँ पर श्यामत्व का जो है कारण नहीं है, उस शाक हरी सब्जी इन ऐसे अन्न को खाना जो है वहाँ पर जो है काला होने का कारण है। लेकिन 8वें पुत्र के गर्भकाल में उसने नहीं उन चीज़ों को खाया तो वह गोरा उत्पन्न हुआ। तो उसी चीज़ को यहाँ पर कह रहे हैं कि जो प्रयोजक होगा उसी को उपाधि कहेंगे, ठीक है।
तो जैसे कपूर कपड़ों में से हम कपड़ों के बीच में हमने कपूर रखा था, तो कपूर क्या हो गया, प्रयोजक हो गया। और कपूर को जब हमने हटा दिया और कपड़े पहने तो उसमें कपूर की खुशबू आ रही थी, तो कपूर प्रयोजक हो गया, और उस प्रयोजक को ही क्या कहेंगे, उपाधि कहेंगे। तो कपूर की खुशबू हो गई उपाधि, और उपाधि होने से जो है खुशबू का और कपड़ों का स्वाभाविक संबंध नहीं हुआ, और स्वाभाविक संबंध नहीं होने से उनमें जो है अनुमिति नहीं हो पाई। उसी प्रकार जैसे कि या उसी प्रकार कह रहे यहाँ पर मैत्री का तनय होना भी जो है वह उपाधिक संबंध है, स्वाभाविक संबंध नहीं है। ठीक है, स्वाभाविक संबंध नहीं होने के कारण तुम्हारी उपाधि फिट नहीं बैठ पाई, और उपाधि नहीं हुई इसलिए तुमको जो है उपाधि का भ्रम हुआ। ये जो है तर्क न्याय, इसको हम न्याय नहीं कह सकते, इसको तो हम न्यायाभास कह सकते हैं, आभास होना कह सकते हैं, औपाधिक हो सकता है यह। अब आगे कह रहे हैं कि लेकिन यहाँ पर धूम और अग्नि के संबंध में किसी प्रकार की उपाधि नहीं है, जैसी उपाधि मैत्री तनय में और जो है पुत्रों के श्यामत्व में, जो शाकादि अन्य की जो उपाधि हमने ली थी, उसी प्रकार की उपाधि जो है धूम और अग्नि के संबंध में नहीं है। ठीक है, कह रहे हैं न च धूमाग्नयो संबंधे कश्चित उपाधि अस्ति, धूम और अग्नि के संबंध में किसी तरह की कोई उपाधि नहीं है। ठीक है, कह रहे हैं यदि तुम कहते हो कि वह उपाधि है, ठीक है, अस्ति चेत, यदि उपाधि है तो हम आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं। न्यायिक बोलते हैं कि हमें ये बताओ कि वह उपाधि जो है वह प्रत्यक्ष के योग्य है या अयोग्य है, मतलब प्रत्यक्ष के द्वारा देखी जा सकने वाली है या नहीं देखी जा सकने वाली है, योग्य है या अयोग्य है प्रत्यक्ष के। यदि वह प्रत्यक्ष के अयोग्य है, अयोग्यस्य शंकितुम अशक्यत्वात्, यदि वह अयोग्य है प्रत्यक्ष के तो फिर उसकी शंका ही नहीं करनी चाहिए, तो फिर उसके बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए, शंकितुम अशक्यत्वात्। ठीक है, उसकी शंका करना जो है वो असंभव है, अशक्य है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ तो है ही नहीं। जब तुम पहले ही बोल रहे हो कि वो प्रत्यक्ष के योग्य ही नहीं है वह वस्तु, तो उसके बारे में बात ही क्या करनी। ठीक है, तो उसको तो पहले ही निराकरण हो गया। और यदि वह प्रत्यक्ष के योग्य है, योग्यस्य च, यदि वह प्रत्यक्ष योग्य है तो अनुपलभ्यमानत्वात्, तो भी हम उसको नहीं मान सकते, क्योंकि जो भी प्रत्यक्ष की योग्य वस्तुएं होती हैं वो उपलब्ध होती हैं, वो दिखाई देती हैं। हमने कहा कि यह घड़ा है तो घड़ा हमें साफ साफ दिख रहा है, इसीलिए वह प्रत्यक्ष के योग्य है, तो हमने उसको प्रत्यक्ष माना। लेकिन यहाँ पर जो उपाधि है, यदि उसको आप प्रत्यक्ष के योग्य मान रहे हो तो उसकी उपलब्धि होनी चाहिए, लेकिन उसकी उपलब्धि तो नहीं होती है। अनुपलब्ध मानत्वात्, अनुपलब्ध होने से जो है उसका योग्य होना भी जो है खंडित हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि यत्र उपाधि अस्ति तत्र उपलभ्यते, क्योंकि जहाँ जहाँ पर उपाधि होगी वहाँ वहाँ पर उसका जो है उपलब्ध होना भी पाया जाएगा, उसको देखा जाना भी पाया जाएगा। जैसे उदाहरण, तीन उदाहरण यहाँ पर उन्होंने दिए। पहला उदाहरण दिया अग्नेर धूम संबंधे आर्द्र ईंधन संयोग है। ठीक है, कि अग्नि और धूम के संबंध में यदि हम उपाधि को माने तो यहाँ पर आर्द्र ईंधन संयोग को उपाधि मान सकते हैं। आर्द्र ईंधन संयोग का मतलब होता है आर्द्र ईंधन माने गीली लकड़ी या गीला ईंधन। ठीक है, और गीली लकड़ी में या गीले ईंधन में यदि आप आग जलाओगे तो धुआं निकलेगा, बस आग तो नहीं जलेगी लेकिन धुआं निकलेगा। ठीक है, सिर्फ धुआं निकलेगा, तो उस अग्नि और धुएं के संबंध में आर्द्र और ईंधन जो होता है वो उपाधि बन जाती है। ठीक है, दूसरा जो है हिंसात्वस्य च अधर्म, और वो हमें दिखता है साफ साफ, हमें गीली लकड़ी दिखती है वो उपाधि। ठीक है, क्योंकि उसकी उपलब्धि हो रही होती है, गीली लकड़ी हमें दिखती है। ठीक है, और उसमें आग नहीं जल रही है लेकिन सिर्फ धुआं ही धुआं निकल रहा होता है, तो वहाँ पर जो है उपाधि दिख रही है इसलिए उसकी उपलब्धि हो गई, इसलिए हमने उसको मान लिया। लेकिन आपकी उपलब्धि जो, आपकी जो उपाधि है वो योग्य मान रहे हो जिसको आप, लेकिन वो तो उपलब्धि उसकी हो ही नहीं रही है। ठीक है, अग्नि और धुएं के संबंध में हमें कोई उपाधि नहीं दिख रही है वहाँ पर, जो पर्वत पर अग्नि देखी है, तो इसका मतलब वहाँ पर कोई उपाधि नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो आर्द्र ईंधन संयोग है, दूसरे प्रकार की जो अग्नि और ईंधन का संयोग है, वहाँ पर हम गीली लकड़ी और अग्नि का संयोग मान रहे हैं, इसीलिए जो है वहाँ पर अग्नि ये आर्द्र ईंधन संयोग क्या हो गया, वो क्या हो गया, उपाधि बन गई। और दूसरा उदाहरण जो है वो हिंसात्वस्य च अधर्म साधनत्वेन सह संबंधे निषेधत्व उपाधि, कि वेद में कहा गया कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वह अधर्म का साधन होती है। ठीक है, और फिर कहा गया कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, कि वेदों या वैदिक यज्ञों में की जाने वाली हिंसा हिंसा नहीं होती। और फिर कहा गया कि हिंसा नहीं करनी चाहिए अधर्म का साधन होने के कारण। तो जब उन्होंने कहा कि हिंसा नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह अधर्म का साधन है, यदि आप अधर्म का साधन, यदि आप अधर्म करना चाहते हैं
तो ही हिंसा करनी यदि आप अधर्म करना चाहते हैं तो हिंसा करनी चाहिए, लेकिन अधर्म नहीं करना चाहिए इसलिए हिंसा भी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर हिंसा की निषिद्धत्व क्या बन गया, उपाधि बन गया। हिंसा का निषेध करना क्या बन गया, उपाधि बन गया। ठीक है, हिंसा त्वस्य च अधर्म साधनत्वेन, हिंसा जो है वो अधर्म का साधन होती है इसलिए वह नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर हिंसा का निषेध होना क्या हो गया, उपाधि बन गई और उसे हिंसा का निषेध हो गया। वैसे ही जो कह रहे हैं मैत्री तनयत्वात्, मैत्री तनय च स्वामत्वेन सह संबंधे साकाद्यन्य परिणत परिणति भेद है, कि मैत्री का तनय होना और श्यामत्व होना, मैत्री के तनय का श्यामत्व से संबंध जो है, मैत्री के पुत्रों का कालेपन से जो संबंध है वह मैत्री के तनय होने से नहीं है, वह तो साग आदि अन्न का परिणाम है, उस तरह के भोजन को खाने का परिणाम है। तो उस तरह के भोजन को खाना, उन साग आदि अन्न को खाना क्या हो गया, उनकी परिणति क्या हो गई, उनका परिणाम क्या हो गया, उपाधि बन गई। ठीक है, और मैत्री तनयत्व नाम की जो आप व्याप्ति कर रहे थे वो हट गया, और इसके द्वारा साकाद्यन्य परिणत भेद है मैत्री तनयत्वस्य च श्यामत्वेन, यह जो है एक अच्छा वाक्य बन गया, एक तर्क वाक्य बन गया। तो इस प्रकार कह रहे हैं जहाँ जहाँ पर भी हमने उपाधि को योग्य माना, प्रत्यक्ष के योग्य माना, वहाँ वहाँ पर उसकी उपलब्धि हुई। ठीक है, यहाँ पर आर्य इंधन संयोग उपाधि की उपलब्धि हुई, यहाँ पर निषिद्धत्व उपाधि की उपलब्धि हुई, और यहाँ पर जो है साकाद्यन्य परिणति भेद की उपलब्धि हुई। ठीक है, उपाधि की उपलब्धि हुई, लेकिन जो यहाँ पर जो हम ये धूम और अग्नि का संबंध जब हम मान रहे हैं तो यहाँ पर कोई उपाधि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार की उपाधि की उपलब्धि नहीं हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, थोड़ा सा फर्क है, धूम और अग्नि के संबंध में कोई उपाधि नहीं है, लेकिन अग्नि और धूम के संबंध में उपाधि है। ठीक है, धूम अग्नि जो है, धूम और अग्नि के विषय में किसी प्रकार का कोई संबंध, किसी प्रकार का कोई उपाधि जो है नहीं है। धूम और अग्नि का जो है वो स्वाभाविक संबंध है, भूयो भूयो दर्शन है ना, सहचार दर्शन उनका हुआ है। ठीक है, लेकिन अग्नि और धूम का संबंध उसमें उपाधि है, उसमें आर्द्र इंधन संयोग हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को बस थोड़ा सा आपको समझना है। तो जो जो उपाधि अगर वह योग्य होगी तो वह दिखाई देगी, जैसे कि ये तीनों उपाधियाँ हमें दिखाई दी। आप जो कह रहे हो कि आर्द्रंदन आप जो कह रहे हो कि धूम अग्नि में भी जो संबंध है वह उपाधिक है, वह उपाधिक नहीं है, क्योंकि उसमें जो है उपाधि की उपलब्धता हमें नहीं हो रही है, उपाधि का दर्शन हमें नहीं हो रहा है, उपलब्धि नहीं हो रही है।